नमस्कार, मैं हूं रूपेश सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन पर। आज की क्लास होने वाली छत्तीसगढ़ सामान्य गण छत्तीसगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम एसएससी रेलवे जितने भी परीक्षाएं हुई है वहाँ से विगत वर्षो क्वेश्चन पेपर मैं लाया हूँ। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल मंदिरों से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। आपके आगामी एग्जाम एसआई भर्ती में बिल्कुल आने वाला है, सटीक क्वेश्चन आने वाला है, तो बिल्कुल तैयारी करके रख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पर्यटन स्थल एवं तीर्थ स्थल से देखने वाले हैं क्वेश्चन, साथ ही छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आने वाला है। जितने भी पीएससी व्यापम प्री में हुआ है एग्जाम, वो बिल्कुल मैं आप सभी को करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बिल्कुल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जाइएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में आज की क्लास रहेगी छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल, जो कि आपके पीएससी व्यापम एग्जाम जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चाहे आप हौसल वाड़ना की तैयारी करें, चाहे एसआई भर्ती की तैयारी करें, चाहे पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एडीओ की तैयारी करें, या फिर यहाँ पर एसआई भर्ती यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आगामी एग्जाम की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके व्यापम में 199 का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, 70% गारंटी देता हूँ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलता तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। अगर आपने चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके पीएससी व्यापम जितने भी एग्जाम में होते हैं, 18, 19, 20 जितने भी एग्जाम हुआ है, वन लाइनर क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्लास का पहला वीडियो, सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका पलारी में स्थित है, सीजीपीएससी एंड प्रो एग्जाम 2019 में आया हुआ है। उसके बाद है गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सिरपुर में है, ठीक है। गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिरपुर में। इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, टिटनेश्वरी देवी की पूजित मंदिर कहाँ स्थित है? जो डिटनेश्वरी मंदिर है आपका मल्हार में है, सीजीपीएससी या सीएमओ 2019 में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर आपका सिरपुर में स्थित है। कहाँ है? सिरपुर में स्थित है, 2018 में आया है। उसी प्रकार राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किनकी प्रतिमा है? तो राजीव लोचन जो है मंदिर, उनकी गर्भगृह की जो प्रतिमाएँ हैं आपका विष्णु मंदिर है, सीजीपीएससी 2017 में आया हुआ है। इसके बाद है पताल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर स्थित है, जो कि सूरजपुर में है, सीजीपीएससी 2014 में आया हुआ है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का है सबसे पुराना मंदिर, यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है, उसे तालागांव, यहाँ भी तालागांव मंदिर भी है, तालागांव स्थित है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तालागांव में। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना मंदिर आपका तालागांव में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद है पातेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? आपका मल्हार में है, सीजीपीएससी व्यापम 2016 में आया है। इसके बाद है महिषासुर मर्दनी की विशिष्ट मूर्ति कहाँ से मिली है? डीपरडीह से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के व्यापन 2017 में आया हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूँ, वन लाइनर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, व्यापम और पीएससी में अक्सर पूछे ही जाएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेली क्लासेस कराया जा रहा है। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर यानी कि भांडल देव कहाँ स्थित है? तो ये आरंग में है, सीजीपीएससी 16 में आया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत बाजार कहाँ लगता है? तो आपका बिलासपुर में, ठीक है। कहाँ लगता है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राउत बाजार बिलासपुर में लगता है। उसी प्रकार मैन पार्ट किस वर्ग का पर्यटन स्थल है? जो मैन पार्ट है आपका, ये याद रखिएगा, मैन पार्ट प्रसिद्ध या प्राकृतिक नाडपल्ली गुफाएं में स्थित है, प्रसिद्ध नाडपल्ली गुफाओं में स्थित है बीजापुर जिले में। कौन से जिले में? बीजापुर।
आवापल्ली गुफा स्थित है बीजापुर में, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है, कहाँ है कुनकुरी में, तो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। एशिया का सबसे बड़ा और पहला चर्च कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा और पहला चर्च कहाँ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो लोग हॉस्टल वार्डन है, एसआई भर्ती, जितने भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, है ना, इसका एग्ज़ाम आप, मैं क्वेश्चन दिया हूँ, उसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करें। एशिया का दूसरा और सबसे बड़ा चर्च कुनकुरी में है, उसी प्रकार एशिया का पहला और सबसे बड़ा चर्च कहाँ है, कमेंट जल्दी कीजिएगा, ठीक है। हाँ, आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्व पानी का झरना जिसे ताता पानी कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्व पानी है इसका झरना होता है उसे ताता पानी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है, बलरामपुर में। मैं वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ व्यापम पीएससी से पूछे गए प्रश्न, ठीक है। डेली क्लासेस करते रहिएगा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुम्बसर की गुफा किस जिला में स्थित है, ये बस्तर जिला में, सीजी व्यापम 2018 में आया है। इसी प्रकार चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिला में स्थित है, तो राजनांदगांव में। तो चितवा डोंगरी गुफाएं हैं राजनांदगांव में स्थित है, सी जी पी एस सी 2017 में आया है। उसी प्रकार लव कुश के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध स्थल, जो लव कुश का जन्म है, लव कुश किसके पुत्र हैं, राम और सीता के, ठीक है, श्री राम और सीता के पुत्र हैं, ठीक है। तो जन्म प्रसिद्ध स्थल तुरतुरिया में स्थित है, तुरतुरिया आश्रम, ठीक है। उसके बाद कुरसेल घाटी किस जिला में स्थित है, तो आपका नारायणपुर में, ठीक है, कुरसेल घाटी है नारायणपुर में है। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐतिहासिक ग्राम टाला किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका मन्यारी नदी, ठीक है, सी जी पी एस सी स्टेट इंजीनियरिंग 2016 में आया वो प्रश्न। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे स्थित है, ये ताला गांव जो है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, ताला गांव देवरानी जेठानी मंदिर के लिए, ठीक है, ये मन्यारी नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए यहाँ पर फोर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके व्यापम पीएससी में बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ मेले का नाम सरकार ने परिवर्तन कर क्या रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। अगर जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही कमेंट में लिखिएगा कि सर हम तैयार हैं पी एस सी व्यापम एस एस सी रेलवे के लिए, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की क्लासेस चल रही बिल्कुल नए समय पर कराई जा रही है, 1 नवंबर से प्रारंभ कर दी गई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासेस है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल डेली क्लासेस करते रहिएगा, निःशुल्क है, ठीक है। या वीडियो को बार बार देखिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार उसको रट लीजिएगा अच्छे से, चाहे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, या फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वीडियो को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ मेले का नाम यानी कि सरकार ने परिवर्तन कर क्या रखा है, तो सरकार ने परिवर्तन कर क्या रखा है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर यह होगा राजीव मांगी पुन्नी मेला, ठीक है, राजीव मांगी पुन्नी मेला, नोट कर लीजिएगा, का बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले राजिम कुंभ मेले का नाम सरकार ने परिवर्तन कर राजीव मांग पुन्नी मेला रखा है, ठीक है। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 2021 का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया है, तो आपका सिरपुर में बनाया है, कहाँ बनाया है, सिरपुर में, नोट कीजिएगा कहाँ है, सिरपुर, ठीक है। इसके बाद है, छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी एवं गुप्त प्रयाग किस जिले में है, तो छत्तीसगढ़ का संस्कार धानी एवं गुप्त प्रयाग शिवरी नारायण में, लिख लीजिएगा कौन सा जिले, जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण जिला में स्थित है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाइएगा अब यहाँ से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से क्वेश्चन देखें, जो कि एमसीक्यू लेकर आया हूँ, ठीक है, बहुत ही मेहनत करने के बाद इसको मैं बनाया हूँ, ठीक है, जो कि व्यापम पीएससी में आया हुआ है, इसको सिलेक्टेड करके मैं पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल यानी कि एमसीक्यू कौन सा है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आश्रम
सेवा स्थित है, ये कहाँ है, रायपुर में, ठीक है, नोट कीजिएगा, रायपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम, ठीक है, रायपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ खजुराहो, सभी का आंसर आ चुका है भोरमदेव, ठीक है, भोरमदेव ये आपका कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न उत्सव आयोजित किए जाते हैं, तो इसका कूटबद्ध है दिया गया है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, भोरमदेव उत्सव, नागपुर उत्सव, सिरपुर उत्सव या वारासुर उत्सव, कूटबद्ध रूप में दिया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आएगा, एक और तीन, ठीक है, एक और तीन आ जाएगा इसका आंसर, एक व तीन, तो कौन कौन से हैं देखते हैं, चलिए, एक भोरमदेव, तीन सिरपुर, भोरमदेव और सिरपुर जो है इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद कबीर पंथ का धर्म स्थल निम्न में कहाँ स्थित है, तो कबीर पंथ है जो, कबीर पंथ इसको नोट कीजिएगा, ये दामाखेड़ा में, ठीक है, दामाखेड़ा। राज्य के किस जिले में तपोभूमि नामक पर्यटन स्थल स्थित है, आपको क्या आ जाएगा, रायपुर में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल नागपुरा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ये आपका कौन से जिले में स्थित है, जल्दी से बताइएगा, दुर्ग जिले में, ठीक है, दुर्ग जिले में स्थित है, भिलाई दुर्ग जिले में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जैन तीर्थ स्थल नागपुरा निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये आपका दुर्ग जिले में स्थित है। इसके बाद होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, राजिम, ठीक है, राजिम, ठीक है, जल्दी से बताइए, राजिम आएगा ना। तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइए, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करें, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, जो मंदिर होता है मंदिरों की नगरी आरंग कहा जाता है, आरंग, ठीक है, नोट कीजिएगा, मंदिर का जो नगरी है उसे आरंग कहा जाता है, ठीक है। एक कवर्धा भोरमदेव के लिए प्रसिद्ध है, उसी भी अगर राजिम किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तीन, हाँ, राजिम क्यों प्रसिद्ध है, तीन नदियों का संगम है, ठीक है, तो क्या आएगा, कौन कौन से नदी का संगम है राजिम, कमेंट करें। प्राचीन बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, प्राचीन जो बौद्ध स्थल है आपका सिरपुर में, क्या है, सिरपुर, ठीक है, सिरपुर में स्थित है प्राचीन बौद्ध स्थल। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाने वाला भोरमदेव मंदिर का निर्माण कौन सा शताब्दी में हुआ है, आप सभी को याद रखना होगा, सन, सन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका 11वीं शताब्दी, ठीक है, 11वीं शताब्दी भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं, ठीक है, खरौद, छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं, कौन से, जांजगीर चांपा जिला शिवरी नारायण के पास स्थित है, जांजगीर चांपा जिला शिवरी नारायण के पास स्थित है, शिवरी नारायण प्रसिद्ध, शिवरी, ये बताइए आप कमेंट कीजिएगा कि शिवरी नारायण क्यों प्रसिद्ध है, किस देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करें क्या आएगा, शिवरी नारायण जो मंदिर है, ठीक है, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण जो मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करें, क्यों प्रसिद्ध है शिवरी नारायण मंदिर, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर, क्यों प्रसिद्ध है। इसके बाद है तालाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो तालाबों का शहर रतनपुर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रतनपुर। तो मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, मंदिरों की नगरी, जल्दी से कमेंट करें, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, कमेंट करके जल्दी बताइए क्या, किसे कहते हैं मंदिरों की नगरी, हाँ बिल्कुल सही, आरंग आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तालाबों का शहर भी देख चुके हैं, इसके बाद देखेंगे देश का प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु मंदिर कहाँ मिली है, जो विष्णु मंदिर है यह मल्हार में है, ठीक है, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति है मल्हार में, ठीक है, कहाँ है, मल्हार, ठीक। इसके बाद है देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो जेरानी जेठानी का जो मंदिर है आपका ताला गांव में, ठीक है, ताला गांव में स्थित है, देवरानी जेठानी का मंदिर ताला गांव में स्थित है। ताता पानी यानी कि गर्म जल कुंड जिले में स्थित है, ये आपका बलरामपुर, ठीक है। इसके बाद है डोंगरगढ़ में किस देवी का मंदिर है, जल्दी से बताइएगा, डोंगरगढ़, आप कौन कौन डोंगरगढ़ गए हैं, चलिए बताइए डोंगरगढ़ कौन कौन घूमने गए हैं, अपना नाम लिखिए यहाँ पर, अपना नाम बताइए, डोंगरगढ़ कौन कौन घूमने गए हैं, ठीक है, कौन से देवी देवता प्रसिद्ध है यहाँ पर, कौन से देवी है यहाँ पर डोंगरगढ़ में, कौन सी माता रानी है, बम्लेश्वरी देवी, बिल्कुल सही, बम्लेश्वरी देवी, ठीक है। ये जो महामाया है, महामाया देवी कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, महामाया देवी
कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करें। महामाया मंदिर या महामाया देवी कहाँ प्रसिद्ध है, ये बम्बलेश्वरी का मैं बता चुका हूँ, डोंगरगढ़। ठीक है, तो आप बताइए महामाया देवी कहाँ स्थित है। चलिए आप आंसर में कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो प्रसिद्ध चित्रकूट जो जलप्रपात है आपको बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ है, बस्तर में। ये स्कूल जाने वाला बस्तर नहीं है ना भाई, ये बस्तर जिला है। ठीक है, माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने करवाया था। आप देखिए जो डोंगरगढ़ है माँ बम्बलेश्वरी देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किस नरेश ने करवाया था, तो ये राजा वीरसेन। ठीक है, इसको रो याद रखे वीरसेन। और वीरसेन क्यों प्रसिद्ध है कमेंट में बताइएगा, वीरसेन क्यों प्रसिद्ध है, राजा वीरसेन क्यों प्रसिद्ध है और किस नरेश ने करवाया था माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के राजा वीरसेन ने करवाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीनतम मूर्ति कहाँ स्थित है, तो प्राचीनतम मूर्ति कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए। प्राचीनतम जो मूर्ति है बूढ़ी खार क्षेत्र में। ठीक है, बूढ़ी खार क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम मूर्ति बूढ़ी खार क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद सामंत झरना कहाँ है, सामंत झरना सामंत सरना है एक मंदिर है। सामंत सरना क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, कौन से मंदिर है, पर्यटन स्थल मैन पाट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है, तो किस प्राकृतिक, सतपुड़ा पर्वत किस श्रेणी। ठीक है, और आप लोग कमेंट बताइएगा कि हाल ही में कितने जिला घोषित हुए हैं, हाल ही में कितना जिला घोषित हुआ है कमेंट करें, कितना जिला घोषित हुआ है, कितने जिले बने हैं। ठीक है, हाल ही में कितने जिले हैं, 32 ऑप्शन दे रहा हूँ, चलिए 32, 33, 34 या फिर 31, इन चारों में से एक कमेंट करें जल्दी से, हाल ही में कितने जिले बने हैं। बिल्कुल सही, 33 जिले ना, राइट। प्रसिद्ध कबरा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो प्रसिद्ध जो कबरा गुफा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो आपका रायगढ़ जिले। ठीक है, रायगढ़ जिला। कैलाश गुफा में किस संत ने तपस्या की थी, तो गहिरा गुरु। ठीक है, जो गहिरा गुरु है कैलाश में तपस्या की थी। अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध गुफा, ये आपका कुटुम्बसर हो जाएगा। ठीक है, कुटुम्बसर क्या जाएगा, कुटुम्बसर। कुटुम्बसर की गुफा छत पर लटकते स्तंभ की चीज निर्मित है, ये चूना पत्थर है। ठीक है, कुटुम्बसर की जो गुफा है वहाँ पर चूना पत्थर पाया जाता है। और चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार जिले में। नोट करते जाइएगा, जितने भी मैं सबको बता रहा हूँ नोट करते जाइए। चूना पत्थर सबसे अधिक बलौदा बाजार जिले में है, तो सबसे कम कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर जो है सबसे कम कहाँ है, जल्दी से कमेंट करें। कबरा पहाड़ प्रसिद्ध के कारण है चित्रित शैलाश्रय। ठीक है, गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है, रायपुर में। जो गुरु घासीदास है रायपुर में स्थित है, रायपुर। ठीक है, नोट कीजिएगा, रायपुर। ओके, इसके बाद भारत के प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है, सरगुजा में। जो नाट्यशाला है सरगुजा में। ठीक है, सरगुजा। इसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में स्थापित किया गया, ये भी आएगा सरगुजा। ठीक है, सरगुजा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, जो सर्प ज्ञान की जो केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तपकरा। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं और छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यहाँ पर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, भोरामदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। जो भोरामदेव है कौन सा शैली का उदाहरण है, चालुक्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करें। क्या आएगा, ए,
बी सी या फिर डी, इन चारों में से ऑप्शन एक कमेंट करें, ठीक है। भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस कराएंगे।